डेलीगेट या सोशल वर्कर जो भी लोग सियासी उनके पास जाते थे, बहरहाल दोनों पार्टियों को बैठाकर सुलह कराने में एसएचओ साहब का एक अहम रोल रहता था। मैं ये समझता हूँ कि ऐसे अनेस्ट ऑफिसर का होना कि पूंछ के अंदर अगर पर एफआईआर लगाने से मसले हल होते तो कोर्ट कचहरियों में तो लाखों रुपए लोगों के लग जाते हैं वकला हजरात को देने में और कागज पत्र लगा देने जो है तैयार करवाने में। तो अगर थाने के अंदर ही कोई जाता है मंजूलूम और वो एसएचओ अगर अपने लेवल पे या सियासी लोगों को मुदाखलत करके इंसाफ मिल जाता है तो दो फरीक जो है हमेशा हमेशा की लड़ाइयाँ ख़त्म हो जाती हैं। तो इसलिए एसएचओ पहुंच जो है मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ एसएसपी पहुंच से और डीआईजी रेंज रजौरी से कि अगर ये एलिगेशन सही साबित हो जाए तो बिल्कुल उस आदमी को इंसाफ मिलना चाहिए जिन्होंने एसएचओ पे एलिगेशन लगाया है। अगर झूठ है तो किसी ऑफिसर को जो पहुंच में ईमानदारी से काम करने वाला, तो हम अपने ऑफिसरान से हुकूमत से ये गुजारिश करेंगे कि एसएचओ को वापस पहुंच अपनी ही कुर्सी पे तैनात किया जाना चाहिए। इस वक्त डीएसपी हेडक्वार्टर भी बहुत अच्छा है, एक तो रिश्वतखोर नहीं है, ईमानदार जो है डीएसपी हेडक्वार्टर भी है और जितने एसएसपी साहब भी जो अभी आए हैं मैंने तो उनसे मुलाकात अभी एसएसपी साहब से नहीं हुई है मेरी, लेकिन बहरहाल लोगों के जबानी मैंने सुना कि एसएसपी पहुंच भी बहुत अच्छे इंसान है और बहुत अनेस्ट ऑफिसर हैं। तकरीबन हमारी पहुंच के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर अनेस्ट ऑफिसर हैं और ख़ास करके पुलिस का काम जो है अच्छे तरीके से पहुंच के अंदर अभी चल रहा है और मैं ये आगे भी उम्मीद करता हूं कि पुलिस इसी तरह अवाम दोस्ती के साथ अवाम के साथ मिलकर जो है क्राइम को रोकने के लिए और अवाम को भी पुलिस का साथ देना चाहिए, तावन करना चाहिए और पुलिस को भी सच और झूठ की जो है परख करके जो है उसका काम की जो है देखभाल करनी चाहिए और कानूनी कार्रवाई उसी तरीके से करनी चाहिए। बहरहाल रंजीत राव जो है एसएचओ पुंछ वेरी गुड एसएचओ थे, यहाँ बहुत ही अनेस्ट ऑफिसर थे। मैं इसी के ऊपर अपने तमाम मीडिया हजरात का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो यहाँ आए और हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारी बात सुनकर एडमिनिस्ट्रेशन तक हुकूमत तक पहुँचाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले मैं आप सभी दोस्तों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आज़ाद चौहान साहब ने बड़ा तफसीलन जो है वो बता दिया है कि किस गरज से आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये रखी गई थी। तो मैं मीडिया के माध्यम से एक चीज़ आज बड़ा वाजिया कहना चाहता हूँ कि फ़खर का मुकाम है उस शख्स के लिए, उस एसएचओ के लिए, रंजीत राव साहब के लिए, कि पुलिस डिपार्टमेंट में होने के बावजूद जिस डिपार्टमेंट से लोगों को डर लगता था, जिन ऑफिसर्स के साथ लोग खड़े नहीं होते थे, आज उस आदमी की सपोर्ट में, उस ऑफिसर की सपोर्ट में पुंछ का यूथ, पुंछ के बड़े, पुंछ का पढ़ा लिखा हर तबके का हर फर्द जो है वो खड़ा है। जैसे कि इन्होंने पहले कहा कि सरदार जी जिनके साथ मारपीट का मसला सामने आया था, मीडिया में हाईलाइट हुई, चीज़ें बाहर आई, तो यहाँ पे एक जो मैंने पहले अपने इंटरव्यूज़ में भी कहा था, मैं आज भी कह रहा हूँ कि जो प्रधान साहब थे हमारे, प्रधान साहब ने पहले ही अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि और आप भी इस चीज़ को समझ सकते हैं कि अगर किसी के साथ मारपीट होती है, किसी के साथ छेड़छाड़ होती है या मुझे ही कोई मारता है तो मैं ज़रूर जब वहाँ से मुझे निजात मिलेगी, आज़ादी मिलेगी, तो मैं चीखूंगा चिल्लाऊंगा कि जनाब मुझे इसने मारा, मेरे साथ ये ज्यादती हुई। लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि तब बात सामने ही नहीं आती, प्रधान साहब ने खुद के अल्फाज थे कि हम उस बच्चे को महफूज वहाँ से लेके आए, उसने ऐसी कोई बात हमें नहीं की थी जिससे ये पता चलता कि उसके साथ मारपीट की गई हो। जब उस वक्त उसके साथ अगर मारपीट नहीं की गई थी तो फिर दो दिन के बाद ये मसला जो है वो कहाँ से निकल के आया। तो सारी चीज़ों की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, वो साथ साथ सामने आएंगी। अलबत्ता आज हमारा यहाँ पे जमा होने का, इकट्ठा होने का मकसद ये था कि जो रंजीत राव साहब ने अच्छे काम किए थे, चाहे ड्रग्स को लेके, चाहे और माफिया जहाँ पे बहुत सारे क्राइम्स हो रहे थे उनको रोकने में, जो एसएचओ साहब की, रंजीत राव साहब की और उनकी पूरी टीम की जो कारस्तानियाँ हैं पुंछ में, वो हमेशा याद रखी जाएंगी। हम उनको जो है हम अप्रिशिएट करते हैं और हम एडमिनिस्ट्रेशन से भी, एसएसपी साहब से भी और डीआईजी राजौरी पुंछ हसीब मुगल साहब हैं, बड़ा बेहतरीन काम कर रही है पूरी टीम उनकी पुंछ में भी और पूरे ज़िला में। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि रंजीत राव साहब जो है वो एक हानेस्ट ऑफिसर हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है पुंछ में, उन्हें दोबारा से मुड़ के पुंछ में जो है एज एसएचओ तैनात किया जाए अगर यहाँ पर नहीं भी, लेकिन उनके खिलाफ जो इल्जाम लगाए गए हैं इनकी छानबीन होनी चाहिए और एसएचओ साहब को जो है
उन लोगों से भी मेरी अपील रहेगी कि आप किसी के ऊपर जो है फजूल की इल्ज़ाम तराशियाँ जो कर रहे हो, ये गलत चीज़ है। आपकी अगर किसी से ज़ाती रंजशें हैं, दुश्मनियाँ हैं, ज़ाती आपकी मुखालफतें हैं किसी के साथ, तो वो निकालने के और तरीके भी हैं। इस तरह किसी की ज़ात पे जो है सवालात ना उठाए जाएं। बहुत शुक्रिया।